हाँ हाँ पैसे मेरी जेब में आए। ये कमीना व्यापारी की जेब काट रहा है। बड़ा आ गया घोड़ा लेने वाला। हाँ हाँ वो मालिक सामने खड़ा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ओए आज तू फिर आ गया है। हाँ जनाब आज मैं घोड़ा लेकर जाऊंगा। अरे व्यापारी तेरे पास पैसे हैं नहीं, आ जाता है मेरा टाइम जाया करने, तू घोड़ा नहीं खरीद सकता। तू ऐसा कर जाके कोई गधा ले ले। अरे जनाब आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, आज मैं घोड़ा खरीद कर जाऊंगा। तू मेरे घोड़े के रुपए भर सकता है? आज मैं पैसे लेकर आया हूँ, अपने घोड़े की कीमत बताओ। चल ठीक है तू घोड़े को चेक कर फिर तुम्हें इसकी कीमत बताता हूँ। जी ठीक है पहले घोड़े को चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है चेक करो घोड़े को। अरे जनाब घोड़ा तो माशाल्लाह मुझे पहले दिन से पसंद था, बस आप मुझे इसके रुपए बताएं। हाँ हाँ इसके पैसे तुम्हारे लिए 2,20,000 हैं। अरे जनाब पहले दिन जब मैं आया था आपने 2,00,000 मांगे थे, आज इसके 20,000 बढ़ क्यों गए हैं? अगर तुमने लेना है तुम्हारे लिए फाइनल 2,10,000 हैं, लेना है तो ठीक वरना जाओ। अरे जनाब 10,000 आपने अभी अभी छोड़े हैं, आप ऐसा करें मेरे पास 2,00,000 हैं, ये घोड़ा मुझे दे दें 2,00,000 में। चलो ठीक है 2,00,000 दो घोड़ा ले जाओ। ठीक है ये लो पैसे। ये क्या मेरे पैसे, मेरी जेब किसने काट ली? अरे व्यापारी तू आ गया ना अपने असली रंग पे, पैसे तेरे पास थे नहीं, आ गया घोड़ा लेने, दफा हो जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं जनाब जब मैं यहाँ पे पहुँचा था पैसे मेरी जेब में थे, मेरी जेब यहीं पे किसी ने काटी है, मुझे मेरे पैसे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे वाह व्यापारी वाह, ये तूने सही तरीका ढूंढा हुआ है भीख मांगने वाला। ठीक है तुम लोग मेरे पैसे ना दो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। रुको रुको पुलिस को फोन मत करो, जिसने आपकी जेब काटी है मुझे उसका पता है। मालिक मैं बताता हूँ। ये सब शेरू का काम है, चलो शेरू के पास। शेरू ये सच कह रहा है? लगता है मालिक को पता चल गया है। मालिक जानवरों को पानी पिला के मैं अभी आया। अबे रुक बड़ा आ गया जानवरों को पानी पिलाने वाला, हाथ ऊपर कर तलाशी लो इसकी। हैं इस कैंची से मेरी जेब काटी है। मुझसे गलती होगी मालिक मुझे माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। गलती तो तुमने की है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लगाओ इसे 2-3।